Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Bhudulwa and you are watching Physics Corner. So in this second part of TIFR Previous Year Examples of Matrices, we are going to discuss some more examples. Now see the example number first which we asked in TIFR 2017. The matrix, yani ki ye jo 3x3 ka matrix given hai, usme x is greater than 0, yani ki non-zero, is known to have two equal eigen values. Okay, kya kaha hai? Two equal eigen values rehne wali. Find the value of x. To dekhiye, ab x ki value find out karne. To apne paas a minus lambda I equals to 0. This is the characteristic equation. Yani ki ye formula use karke hum characteristic equation find out karte. To dekhiye, is formula se bhi values put up karne ke baad aapko ek equation milega. Wo aisa rahega 100 root of 2 minus of lambda into lambda square minus 100 root of 2 into lambda plus 2x square equals to 0. Now this equals to 0 and this equals to 0 kaise sakte hain apan, to hum lenge this equals to 0, therefore lambda square minus 100 root of 2 into lambda plus 2x square equals to 0. अब देखिए इस इक्वेशन से हम दो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू 0 रहता है, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac. देखिए यहां पे a कितना है 1, b कितना है माइनस ऑफ 100 रूट ऑफ 2 एंड c कितना है 2x स्क्वायर. अब ये वैल्यूज इसमें हमको क्या करना है, पुट करना है. तो b का स्क्वायर यानी कि 100 रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स a कितना है 1 इनटू c कितना है 2x स्क्वायर. अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर. अब 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर. और देखिए यहां पे 2 को एडजस्ट करना है, उसको हम रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर एंड देन में देयरफॉर. अब देखिए अब क्या हो गया, सबका रूट चला गया, तो क्या बच जाएगा 100 रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 रूट 2 2x रूट 2 रूट 2 गेट कैंसिल, देयरफॉर 100 बाय 2 इज नथिंग बट x, therefore x equals to how many 50, that's why the first option is correct. तो देखिए सिंपल था, बस आपको ये जो characteristic equation था ये use करना था, इससे आपको ये equation मिलेगा. फिर just this equals to 0 भी put कर सकते हैं हम, this equals to 0 भी put कर सकते हैं. तो हमने ये equation लिया quadratic equation. अब आपको quadratic equation पता है तो उसको फिर आगे roots find out करने के लिए हमने b square minus 4ac use किया. तो b square minus 4ac is equals to 0 होता है, आपको पता है फिर b square equals to 4ac लिया, फिर x find out किया. इतना सिंपल क्वेश्चन था जो कि TIFR 2017 में पूछा गया था. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, a unitary matrix U is expanded in terms of Hermitian matrix H such that. अच्छा अब ये जो unitary matrix था in terms of Hermitian matrix को expand किया किसे, e power I pi H by 2, वहाँ पे जो H है वो है Hermitian matrix. अब ये है U Hermitian unitary matrix. If we know that H equals to this matrix है, if we know that H equals to this matrix, then U must be. अब देखिए unitary matrix को in terms of Hermitian हमने क्या किया, represent किया. अब देखिए हमको given है कि जो भी U है ये कौन सा matrix है, unitary. अब यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसने यूनिटरी मैट्रिक्स के कंडीशन सेटिस्फाइड करने चाहिए, यानी कि इस चारों भी ऑप्शन में ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स के कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा. अब यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसकी यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन u into u कंजुगेट इक्वल्स टू i. बस आपको एक ऑप्शन उठाना है, तो देखिए मैं जैसे b ऑप्शन मैं b यूज करूंगा, आंसर पता है इसलिए मैंने b लिया. ओके तो देखिए ये b मैट्रिक्स लिया, इसको मैंने u मैट्रिक्स बोल दिया. ओके तो फिर i by 2 0, i root of 3 by 2 0, i 0, i
रूट ऑफ 3/2 0 माइनस आई बाय 2। अब ये हो गया यू मैट्रिक्स। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, माइनस आई बाय 2 0 माइनस आई रूट ऑफ 3/2 0 माइनस आई 0 माइनस आई रूट ऑफ 3/2 0 प्लस आई बाय 2। अब ये हो गए, मैंने गिवन मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया, यूनिटरी मैट्रिक्स, फिर उसका मैंने कॉन्जुगेट किया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू आई, यानी कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो देखेंगे अपन का जरूर आएगा। तो देखिए फाइनली कैसे आ जाएंगे, माइनस ऑफ 1 आई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 0 0 0 1 0 ये 0 ये 0 माइनस 1 इंटू आई का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए एक बार। अब देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 प्लस 3 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ पे देखिए माइनस 1 इंटू आई का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस 0 0 0 1 0 0 यहाँ पे भी सेम टर्म है, ओके तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 यानी कि आधार में जो भी हमने ऑप्शन बी उठाया था वो ऑप्शन यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ए सी डी आर नॉट करेक्ट, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो देखिए और एक अनदर वे है, अब जो भी यूनिटरी मैट्रिक्स है आपको बताइए यूनिटरी मैट्रिक्स में नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कैसी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो देखिए हमने जो ऑप्शन लिया था इसको हम सेटिस्फाइड करके देखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर बाय 4 ये तो 0 हो जाएगा, फिर आई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो देखेंगे हम आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1 बाय 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1 3 बाय 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 कॉमन, ओके अब ये माइनस 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आइदर वे दिस इज द अनदर वे, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।